कांग्रेस से बगावत के मूड में आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कर दिया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी सनातन के सच्चे ध्वजवाहक, आचार्य प्रमोद का बयान। आचार्य प्रमोद के बयान से टेंशन में आ गई कांग्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगेगा एक और झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हैं और पार्टी लाइन से हटकर वो लगातार काम भी करते हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर अपनी ही पार्टी को उन्होंने जमकर लताड़ भी लगाई थी और कहा था कि पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे में अब लग रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने वाले हैं और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, निश्चित तौर पर मंदिर जाने वाले राहुल गांधी को इससे बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, राहुल गांधी इस वक्त न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और तमाम जगह मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को सनातन का सच्चा ध्वजवाहक बता दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, कल्कि धाम के उद्घाटन समारोह के लिए निमंत्रण दिया और इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन का सच्चा ध्वजवाहक बताते हुए अपने बयान में कहा, प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, विदेश में मंदिरों का निर्माण और भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि धाम शिलान्यास समारोह के निमंत्रण को स्वीकार करना, इस बात के सबूत है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो साकार होने जा रहा है और पूरे विश्व में सनातन के सच्चे ध्वजवाहक के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित हो चुके हैं। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उन पर कोई देवीय कृपा है। प्रधानमंत्री एक देवीय शक्ति के प्रतीक हैं। उनसे मिलने के बाद जो एहसास हुआ है, जो अनुभूति हुई है, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्हें सनातन का सच्चा ध्वजवाहक बता दिया है। ऐसे में झारखंड हो या और जगहों पर राहुल गांधी जिस तरीके से पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे उनको बड़ा झटका लगेगा। दरअसल 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि 22 जनवरी का जो प्रोग्राम अयोध्या में था वो राजनीति वाला प्रोग्राम था, बीजेपी का प्रोग्राम था और हम ही सच्चे सनातनी हैं, इसीलिए न्याय यात्रा के दौरान हम मंदिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन देश समझ रहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे उनके खुद के नेता समझ रहे हैं कि कांग्रेस किस माइंडसेट के साथ अब एजेंडा तय कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि 2024 का परिणाम क्या होता है, लेकिन उससे पहले क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम पाला बदल लेंगे और क्या वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ऐसे में आपका आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन का सच्चा ध्वजवाहक कहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस पर भी अपनी राय दीजिए कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस में रहना चाहिए या फिर उन्हें बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। मैं भारत के साथ हूं और सनातन के साथ हूं, और सनातन वो धर्म है जो सत्य है, जो शाश्वत है।